Hello, hello, assalamu alaikum. I hope everybody is doing just fine. और अब मैं बहुत सारे व्लॉग्स पोस्ट करूँगी. इस्लामाबाद में पहुँच चुकी हूँ. हम हमेशा कहते हैं कराची से जब हम आते हैं ना इस्लामाबाद, हम कहते हैं हम येलो एयरपोर्ट से वाइट एयरपोर्ट की तरफ आ गए, बिकॉज इट्स ह्यूज. पहले इस्लामाबाद में एक छोटा सा लिटरली घर था जो कि एक एयरपोर्ट था, मगर अभी 6-7 साल पहले ज़बरदस्त किस्म का एक इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बना. और मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रही हूँ, एक्चुअली मैं चल भी नहीं रही हूँ, इस ट्रेवलेटर पे मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ बिकॉज आबिद की फ़्लाइट आने वाली है 30 मिनट्स के बाद. सो आई वॉन्टेड कि मैं इस तरह से टाइम अपना गुजारूँ कि मुझे फ़ील भी ना हो कि मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है. ये देखें क्या डिफरेंस है कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में. जगह जगह ये वाले डस्टबिन रखे हुए हैं. दिस इज़ सो कूल. इस वक्त मुझे सोलो ट्रैवलिंग वाला मज़ा भी आ रहा है और मैं अकेले ट्रैवल भी नहीं कर रही बिकॉज टेक्निकली मेरा मियाँ आ जाएगा 30 मिनट्स के बाद. तो दिस इज़ लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बिकॉज मैं आराम से अपना व्लॉग भी बना रही हूँ. और अभी जब ये सामान आता है ना, आपका जो लगेज आता है, आई हेट 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 कि मैं खड़े होके लगेज का वेट करूँ. एंड ऑफ कोर्स मुझे करना पड़ता है बिकॉज बाकी के जो लोग मेरे आसपास होते हो, टेंशन में होते हो, वो लगेज आ जाए. आई एम लाइक यार मेरा लगेज कौन लेके जाएगा, राइट? तो मैं सुकून से बैठी रही. और मेरे इंतहा से ज़्यादा चिल करने के बाद क्या हुआ वो मैं आपके साथ करती हूँ अभी शेयर. ये मेरा बैग जो है ना, ये बैगेज क्लेम पे जब आप खड़े होते हैं तो अक्सर आप खड़े होते हैं ना, जैसे वो लोग वहाँ खड़े हुए. तो आई थॉट कि यार मैं खड़ी वड़ी नहीं होंगी, मैं आराम से सुकून से चिल करके बैठूँगी. आज आबिद नहीं है तो आई जस्ट लाइक चिल और दिख जाएगा मुझे दूर से बैग पर. मैंने कहा चलो वॉशरूम चलते हैं. सो मैं वॉशरूम गई बहुत सुकून से, क्योंकि आबिद की फ़्लाइट ने 20 मिनट्स बाद लैंड करना था. तो मैंने कहा वैसे भी मुझे वेट करना है उसका, राइट? तो क्या हुआ क्या हुआ कि जब मैं वापस आई ना, बेल्ट रुक चुकी थी. मैंने कहा ये बेल्ट क्यों रुकी है, यू नो जैसे मूव हो रही होती है, वो रुक गई थी. तो उसमें सिर्फ एक ही बैग था और दूर से उन्होंने मुझे बोला आयशा अब्रार. मैंने कहा जी. तो उन्होंने कहा ये आपका बैग. कह रहे क्या हुआ, भूल गई थी? मैंने कहा नहीं नहीं मैं भूली नहीं थी, मैं चिल कर रही थी. उस पर ही बस लाइक ये बंदी कुछ अजीब लग रही है. अब लाइक मेरा मतलब मैं वॉशरूम में थी. अब समझ आया लोग टेंशन में अपने बैग के लिए क्यों खड़े होते हैं, बिकॉज अगर आप अपने बैग को नहीं लेंगे थोड़ी देर बाद वो आपको सस्पिशियस नज़रों से देखेंगे कि ये बंदी अपना बैग क्यों नहीं ले रही है. सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर आबिद. आबिद कहाँ से आएगा और फिर बस आबिद का बैग लेंगे और फिर हम चलेंगे. एंड गेस वेयर वी आर स्टेइंग इन इस्लामाबाद. वी आर स्टेइंग एट सेरीना. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू सेरीना, व्हिच इज़ लाइक द बेस्ट होटल in Pakistan, and I have never seen Islamabad ka Serena, so I'm very excited to be there and to be staying there. And hum bahar nikal chuke hain abhi, to mujhe of course garmi nahi lag rahi because raat ka time hai aur humidity actually Karachi jaisi feel nahi ho rahi. Karachi mein jab aap airport se bahar nikalte hain, nikalte hi it's like a lot of course humidity chip chip chip, but yahan pe koi chip chip nahi hai. So आबिद से मैं मिली और यू नो जैसे आप किसी अपने हस्बैंड से मिलते हैं तो कितने प्यार से मिलते हैं, तो पहले किसी अपने हस्बैंड से तो मैंने एक्सपेक्ट किया था बड़े प्यार से मिलेगा. सही है. मसला ये हुआ कि एयर सियाल से आ रहा था आबिद, जो कि मैंने आपको बताया था आबिद एयर सियाल से आ रहा है और आबिद को तो अच्छा खाना मिलेगा. आबिद को खाना अच्छा नहीं मिला. अकॉर्डिंग टू हिम आबिद को कोई दो बोटियाँ मिली हैं, तो आबिद का मूड बहुत बुरा है. और मैं कुछ अभी करती हूँ ना तो आबिद उस पर भी लड़ाई करने को दौड़ता है. मतलब आबिद मुझे कोई दुनिया में 4 सालों में मैंने जितने को गलत काम किए वो सारे गिनवा रहे हैं बिला वजह ना, विदाउट इवन आस्किंग. तो लड़ना चाह रहा है बिकॉज बट को बोटी नहीं मिली है. उस बेचारे ने दो बोटियों को नर्स किया है बेसिकली. मगर अब प्लान ये है कि हम सबसे पहले इस लड़के को कुछ खिलाएंगे ताकि ये लड़का जो है वो चुचू करना बंद करे. कोई बारबेक्यू प्लेटर सेरीना का बड़ा अच्छा होता है, तो आबिद ने मुझे बोला कि वो मंगवाएंगे वो खाएंगे. मैंने कहा आई एम वेरी एक्साइटेड. तो कहते हैं उसमें तो लैम्ब भी है, क्योंकि मैं लैम्ब नहीं खाती. मैंने कहा कि हाँ चलो मैं लैम्ब नहीं खाऊंगी, बाकी खा लूँगी. कहते हैं नहीं ना कुछ और मंगवा लेना तुम अपने लिए. तो लड़का मैंने लड़ने को तैयार बैठा हुआ है. मून
Guys, look at the moon. It looks so beautiful. Wow. अब हम जा रहे हैं सरीना, यहाँ से 40 मिनट्स का रास्ता है, बाकी आई थिंक F10 तो फॉर श्योर जल्दी आ जाता है. सरीना थोड़ा सा दूर है बट इट्स कम्प्लीटली फाइन. सरीना आ चुका है इससे पहले कि आप लोग पुलिस की तरह मुझ पर अटैक कर दें कि कोई स्मोकिंग कर रहा था, लाइक आबिद या उसके कॉलीग स्मोकिंग नहीं, क्या कहते हैं हम, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुसिर है. सो मैं नहीं करती, अब कोई कर रहा है तो मैं क्या करूं, मैं किसी की अम्मी नहीं हूं, और अम्मी होती भी तो भी ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकती थी. सो इग्नोर दैट पार्ट. तो आप फर्स्ट फ्लोर से अंदर एंटर होते हैं और आबिद ने मुझे बताया इसमें आप यूजुअली ऊपर जाते हैं, हम नहीं गए इसमें, बट आई रियली वांटेड कि हम इसमें बैठ के ऊपर जाते हैं. बाय द वे, सरीना इज दिस वन होटल जिसको आप जितना भी यूट्यूब पे देख लेना, आपको समझ नहीं आता कि इसकी क्या फील है जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करते. कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपको देख कर उनकी फील समझ में आ जाती है. सिंस इट्स सो ग्रैंड, वीडियो और पिक्चर्स बिल्कुल जस्टिस नहीं करती मुझे लगता है सरीना के साथ. ये वाला कौन सा है? एप्पल जूस एंड डिटॉक्स वाटर. क्या भाई? एप्पल जूस एज आवर वेलकम ड्रिंक. आई रियली नीडेड शुगर एट दिस पॉइंट बिकॉज बहुत थक गए थे. First things first, let me give you a room tour. Let's first see the washroom, which has a bathtub. Yay! Or shower here. Shower gel, shampoo, body wash. Ooh, sewing kit, sanitary bag, shower cap, comb. Shaving kit, dental kit, and face towel, vanity kit, liquid soap. Interesting. Yeah. Body lotion. And here we have liquid soap. Ooh. Hello. And ये ब्लैक, ये सिर्फ उसके अलावा सब. अच्छा ये 1 2 3 जी. ऑलराइट प्लीज. एंड दिस इज द रूम टूर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रूम्स. इंटरेस्टिंग सैनिटाइजर इन रूम डाइनिंग मेन्यू. एंड देन coffee, tea, this cute thing right here, laundry bags, okay. Wi-Fi ka password kahan hai? Ji, sorry, hotspot. When you want Wi-Fi, 486 come. This is password, Serena 486. Okay, thank you. Thank you. Slept so well, beds were so comfortable. और अब सुबह हो चुकी है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. And
this is the omelette station. Teen sunny side aap de denge please. Teen sunny side. Akina, yamma. Teen naan puri paratha. Chicken sausages. Akina, this is Akina. This is mutton keema. This is gluten free paratha. Veggies, vegetable quiche. So there was a lot of variety in breakfast. पहले मैंने savory चीज़ें खाई, उसके बाद I had this yogurt, then I had like this kobani. Figs बहुत मज़े की थी. And मैंने pastry भी ली थी, इतने शौक से नहीं खाई, but I really wanted to eat light and healthy. Hello, good morning. अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेरा पेट भर गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. सो आई एम गोना शो यू ऑल द ऑप्शंस दैट दे हैव एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम हैविंग ब्रेकफास्ट इन सरीना एंड इट्स वेरी वेरी नाइस. देसी ऑप्शंस भी बहुत सारी हैं, बाकी भी ऑप्शंस हैं बहुत सारी. सो लेट मी शो यू अराउंड. एंड आज मेरा प्लान है पूरा दिन यहाँ पे गुजारने का और आबिद और इसके जो कॉलीग हैं वो गए हुए हैं बाहर काम से. एंड अभी ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइक ख़त्म होने वाला टाइम है, बट इससे पहले कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए लेट मी जस्ट शो यू अराउंड. दिस इज़ द व्यू आउटसाइड का. अच्छा, देयर इज जस्ट वन थिंग अबाउट सरीना जो कि ऐसा आपको किसी वीडियो में नहीं लगेगा द ग्रैंड फील, बट व्हेन यू कम हियर यू फील द ग्रैंड फील राइट. ये वाला पार्ट मैंने पूरा मिस कर दिया. यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं राइस कॉन्जी, चिकन एंड वेजिटेबल सूप. एंड आई थिंक ये सूप के साथ की कॉन्डिमेंट्स रखे हुए हैं. एंड देन यू हैव सम पैनकेक्स. थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया कि किसी ने अगर पैन, ओह दिस इज़ सो क्यूट, लाइक राइस के साथ किया हुआ है ये, इट्स वेरी वेरी क्यूट. सो ये पैनकेक्स थे, इसमें नॉर्मल थे, ग्लूटेन फ्री थे एंड आई थिंक एक होल व्हीट का ऑप्शन था. देन ये वही एग स्टेशन है जिसमें आप ऑमलेट बनवा सकते हैं, फ्राइड एग्स ले सकते हैं. एंड आई थिंक डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि दुनिया भर के आपके पास ऑप्शंस हो खाने पीने में, लेकिन आप मेरे हस्बैंड की तरह आके अपने वही जो है वो बॉयल्ड एग्स या फ्राइड एग्स खाएं. मेरे में इतना डिसिप्लिन नहीं है. आई रियली वांटेड टू चेक आउट एवरीथिंग. सो दिस इज़ लाइक मैंगो सॉस पैनकेक्स के साथ, चेरी सॉस एंड वी हैव ब्लूबेरी सॉस. ये वही पैनकेक्स जो मैंने आपको दिखाए थे. स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है एंड प्लेन. ओ सॉरी, मुझे लगा ग्लूटेन फ्री है. ग्लूटेन फ्री कुछ और था आगे. पराठे शराठे ग्लूटेन फ्री अवेलेबल हैं. पैनकेक्स वर नॉट ग्लूटेन फ्री. एंड देन वी हैव रेड लोबिया. चिकन हांडी, लेस ऑयल लेस स्पाइसी, नॉर्मल वाली भी थी और ये लेस ऑयली लेस स्पाइसी वाली भी थी. बिकॉज यूजुअली इस्लामाबाद में फॉरनर्स आके रहते हैं तो उनके लिए स्पेशली आई थिंक आलू भुजिया का भी बिल्कुल सेम सीन था. एक तरफ नॉर्मल वाली थी, एक तरफ कम ऑयल और कम मिर्चों वाली थी. इवन नॉर्मल पे भी कोई क्रेजी मिर्चें नहीं थी, बट आई अंडरस्टैंड कि वो फॉरनर्स के लिए बिल्कुल ही जो है वो आप थोड़ा एहतियात करते हैं. सो ये पास्ता था. एंड देन सम स्प्रिंग रोल्स. Then we had porridge. Porridge अलग था, muesli अलग थी. दोनों की जो साथ में like condiments थे वो बहुत ज़बरदस्त रखे हुए थे. Gluten free bread भी थी. And then mutton keema, this was also very nice. अभी तो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल 10:30 होने वाले थे, लेकिन जब मैंने लिया था तो उसमें बहुत सारा था. Gluten free paratha and I think gluten free paratha is such a good option. Then beef chatpat, oof, this was very good. इंतहाई अच्छा गला हुआ बीफ था. ये तो मैं कल भी खाने वाली हूँ. I really liked it. आलू भुजिया जो कि मैंने नहीं ट्राई की, मैंने कहा आलू भुजिया नहीं खाने वाली मैं यहाँ पे आके. और boiled eggs, then halwa which I did not have. And आगे जाते हैं vegetable quiche जो मैंने enjoy किया. Roasted potato wedges थे. And then sauteed spinach, जो कि मैंने नहीं खाई.
and then you have beef sausages and chicken sausages. Okay, so unlike a lot of like buffet places, यहाँ पे आपके right पे भी खाने की पूरी एक लेन चल रही थी and left पे भी. So one of Abed's colleagues, he said कि मुझे तो देखे ही नहीं sausages कहाँ पे थे, because वो आप एक अपनी एक side पे focus कर रहे होते हैं, तो हर तरफ खाना था literally. Baked beans were there, khagina, which I had. I love khagina. I still feel घर जैसे khagina की कोई उसका कोई replacement नहीं है, but I'm glad it was there. Then cornflakes में different types, muesli, like chocolate, normal, colorful. Yogurt बड़ा ज़बरदस्त था. Prema एक brand है पाकिस्तानी. It's a very good brand. इसमें mango, blueberry, strawberry. I really, really, really love yogurt. And normal वाला भी था. I think yogurt is one of the healthiest options in breakfast and yummy also. Acquired taste hai, maine badi mushkil se yogurt ka taste develop kiya. Figs, uff, these were so delicious. It's a lot of fiber guys. Injeer aapko agar aise mil jaye to I think usse acha kuch nahi ho sakta. And then some gherkins, some almonds, some cheese, cold curds. Is tarah ke main preservatives wali cheeze avoid karti hu to maine nahi khaya, of course. And then we had some juices, orange juice, lassi, and iske alawa detox water, grape juice tha, and ek to aur juices bhi the. I think melon juice, melon milk bhi tha. अभी मैं आई हूँ यहाँ एंड आई वांट टू गेट अ मसाज, बट आई वांट टू फर्स्ट सी माय चॉइसेस, सो लेट्स सी. नाश्ता करके मैं सुकून से आई कि चलो अब सोएंगे, बस अब मज़े से इन्जॉय करके सोएंगे, पर अचानक मेरी की नहीं चल रही. सो ये कीज़ के और मेरे मसले जो है ना, ये चलते रहते हैं. सॉरी मैं स्लो बोल रही हूँ, बिकॉज लाइक इट्स होटल लंबी, बट कभी मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, एंड दैट्स माई फॉल्ट. बट जब मैं नहीं भूलती तो ये नहीं चलती है. नाउ दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट्स जस्ट सम लक विद कीज. अब मैं जा रही हूँ नीचे इसको चार्ज करवाने. मेरे साथ होता है हमेशा. करवा के आ गई नीचे से. थैंक गॉड. रूम इज अ मेस. रूम मेकअप हो गया. हमारे रूम है ना, हाँ हमारा ही रूम है. दिन की रोशनी में बिल्कुल अलग लग रहा है. आई एम लाइक ये मैं सही रूम पे आई हूँ, गलत रूम में. अच्छा, इस फ़ोन को ऑन होने में आप इट टोल मी कि थोड़ा टाइम लगता है. यार ये तो हुआ हुआ है, वाह. मॉर्निंग सबात, दिस इज सना, हाउ कैन आई हेल्प यू? रूम सर्विस पे कनेक्ट कर दें. मुझे प्लीज 3 पानी की बॉटल्स भेज दें, 3 बड़ी पानी की बॉटल्स. कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स राइट नाउ.
I'm actually housekeeping complimentary provide karte. If you allow me, can I transfer your call in housekeeping? Yes, please. It's online. Good morning, can I help you? Hello, मुझे प्लीज़ 3 पानी की बॉटल्स प्रोवाइड कर दें. अच्छा, मैं भिजवाती. थैंक यू. अच्छा, मैंने जब पहले डायल किया था तो मुझे लगा हाउसकीपिंग ही है, बिकॉज मैंने बोला था रिसेप्शन पे हाउसकीपिंग कनेक्ट कर दिया. आई अंडरस्टैंड, बट एनीवे, दिस इज द व्यू. लुक एट दिस गाइस, ऑफ दिस इज सो ब्यूटिफुल. एंड ट्रस्ट मी, जो ये ऐसे देख कर फील आ रही है ना ग्रैंड, वो आपको वीडियो में नहीं फील हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही. उसका 50% भी फील नहीं हो रहा. व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इट्स सो ब्यूटीफुल. और हमें क्योंकि उतना ऊपर रहने की आदत है, तो जब थर्ड फ्लोर नहीं फोर्थ फ्लोर से मैं कुछ देख रही हूँ तो वो इतना प्रॉपर करीब से दिखाई दे रहा है. आई एम लाइक, मुझे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने की आदत है ऊपर वाले व्यू से. सो वहाँ पूल है, ये देखिए. एंड अभी आई जस्ट सॉ अ कपल जब मैं मायशा स्पा पे नीचे गई हुई थी, तो मुझे एक कपल दिखा जो कि पूल साइड जा रहा है. और अभी अगर हमारे हिसाब से देखें तो इतनी धूप है, एंड उनके हिसाब से देखें तो इट्स लाइक परफेक्ट टाइम टू गेट टैंड. ये बड़ा मज़े का सीन है, लेट मी शो यू. मास्टर, सारी लाइट्स यहाँ से ऑफ हो जाएंगी. सी, सब ऑफ हो गई एंड देन ऑन हो जाएंगी सब. फिर ये वाला लैम्प, नहीं दूसरा वाला लैम्प था, ये वाला लैम्प. हेलो, मेकअप रूम भी आपको बाहर लगाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से टच कर सकते हैं. डू नॉट डिस्टर्ब भी यहीं से टच कर सकते हैं. पानी की बॉटल आ जाए उसके बाद मैं ये कर दूंगी. एंड एंट्रेंस की लाइट है ये, वॉल लैम्प्स हैं, एंड ये बाकी दोनों लाइट्स हैं. इंटरेस्टिंग. और अगर आप अपना बेड बनवाना चाहते हैं तो ये बेड पे रख दें, नहीं बनवाना सॉरी बेडशीट चेंज करवाना चाहते हैं तो ये बेड पे रख दें, नहीं करवाना चाहते तो इसको ना रखें बेड के ऊपर. एंड ऑल द शशकास ऑफ दीज पिलोज जो कि यहाँ पर हैं. एंड यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं एसी, जो कि मैंने ऑन करके 22 पे किया था. 22 पे अभी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लाइक बाहर की गर्मी. रात को 22 पे हो गया था तो अभी मैंने 23 पे किया है. और ये सेंट्रली ही है, सो यू डोंट हैव लाइक मैनेज इट मैनुअली, आप यहाँ से कर सकते हैं. ता-दा! ये हमारा अपना ही, इनके साथ नहीं आया. बट वी डू हैव दिस, जिससे उन्होंने कहा था कि हॉटस्पॉट आप कनेक्ट कर लें फॉर लाइक अ फास्टर इंटरनेट. तो हमारे रूम में एक ही पानी की बॉटल थी, और जो हमारे साथ आए हैं आबिद के कॉलीग उनके रूम में 3 थी. मतलब ये क्या है. सो आज मैंने मंगवाई, सो दे अपोलोजाइज के सॉरी उस पर पानी ख़त्म हो गया था. सो दिस इज द बॉटल, लुक एट द वे इट्स डिजाइंड, वेरी प्रिटी. क्या ही क्लासी बॉटल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो. And Cheshka also.